सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने कार्बन के बारे में बात की थी। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, फिर उसकी बॉन्डिंग के बारे में थी। कार्बन क्या है? बाकी सारे एटम्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, राइट? फिर हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ है? 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ टेट्रावेलेंसी है, और सेकंड इज़ कैटिनेशन, मीन कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, राइट? चलिए आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड, हमने लास्ट टाइम बात की थी सिंगल और डबल बॉन्ड। जब वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। और जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल बॉन्ड, और जब इससे ज़्यादा 3 की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाउ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मीथेन का। मीथेन में इथेन ले लेते हैं, सी इथेन मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो 2 डबल बॉन्ड का मतलब इन दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 कार्बन के ये और 2 ये कार्बन के। फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है ना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो किसे शेयरिंग करते हैं? हाइड्रोजन के। इस टाइप से हाइड्रोजन को हमने डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया है। इस टाइप से हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में से 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। देन नाउ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप है से दोनों कार्बन शेयर करेंगे। देन नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लाइक दैट द अदर कार्बन शेयर दिस पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार इसमें क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, राइट? चलिए भाई, ऐसे कार्बन, कार्बन की भी जगह सिंगल बॉन्ड है तो होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अगर डबल बॉन्ड है दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स। चलिए भाई, इसके बाद है चेन ब्रांचेस एंड रिंग। भाई कोई ज़रूरी नहीं कार्बन अगर कार्बन से जुड़ेगा तो सिंपली एक स्केलर फॉर्म में जुड़ रहा हो। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ ना, कार्बन से कार्बन एक चेन टाइप स्ट्रक्चर से जुड़ा, ऐसे नहीं है। कभी कभी ब्रांच भी हो जाते हैं, एक कार्बन से 2 अदर कार्बन ज्वाइंट हो जाते हैं, या फिर एक इस टाइप से साइक्लिक फॉर्म, कार्बन कार्बन से जुड़कर एक साइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं, राइट? उसके बाद हम कार्बन कंपाउंड्स उसके नेम के बेस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज, अगर एक कार्बन है किसी भी कंपाउंड में, अगर सिंगल कार्बन है दिस इज मिथ, और 2 कार्बन्स हैं तो इथ, 3 कार्बन्स हैं तो प्रॉप, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटा, 5 हैं तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, और 10 कार्बन है तो डेका। क्लियर बच्चों? उसके बाद चलिए, इसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें आपका, हम जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो कार्बन कार्बन से सिंगल और डबल बॉन्ड जो भी आपको जोड़ने के बाद जितनी वैलेंसीज बचती हैं उन्हें हाइड्रोजन से सैचुरेटेड किया जाता है, इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है हाइड्रोकार्बन्स की, 3 टाइप की होती हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन्स। कौन कौन सी? एक तो होती है एल्केन, सेकेंड वन इज एल्कीन, देन एल्काइन। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है वो होते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। कार्बन के बेस पे जैसे मिथ, मतलब अगर कार्बन एक कार्बन है तो मीथेन, अगर 2 कार्बन है तो
इथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है भाई, इथेन मतलब दो कार्बन के डबल बॉन्ड है तो एथीन, प्रोपीन, पेंटीन। देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, प्रोपाइन, तीन है तो प्रोपाइन, फोर है तो ब्यूटाइन। इस टाइप से इनके नेम दिए जाते हैं, इन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज। हम क्या देखते हैं, किसी भी सीरीज, चाहे वो एल्केन की है, एल्कीन्स की है या एल्काइन्स की है, इनकी सीरीज में दो कंपाउंड के बीच हमेशा CH2 का डिफरेंस रहता है। क्लियर भाई, मिथेन की बात करें तो CH4, एथेन की बात करें तो C2H6। दो में देखो कितना डिफरेंस है, यस CH2 का डिफरेंस है। हर आने वाला, आगे आने वाला कंपाउंड सीरीज से CH2 का डिफरेंस होता है, इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एल्केन्स आप बनाने के लिए आपको फॉर्मूला भी दिया गया, दिस इज CN, जहाँ पर N है नंबर ऑफ कार्बन, 2N+2 CnH2n, दैट इज CnH2n-2। इसे आप कार्बन के बेस के नंबर पे उसका पूरा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे भाई मुझे कहा गया डबल बॉन्ड है, सपोज देन डबल बॉन्ड है और मुझे प्रोपीन का डायग्राम बनाना है, यस डबल बॉन्ड प्रोपीन, प्रोपीन मतलब प्रॉप मतलब तीन कार्बन, तो सबसे पहले हम तीन कार्बन लिखेंगे। ईन का बनाना है तो किसी दो कार्बन के भी डबल बॉन्ड, क्लियर। ऐसा नहीं है कि दोनों सभी जगह डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो कार्बन के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रोपीन हो गया, अब जितनी वैलेंसी बचती हैं कार्बन की, दो वैलेंसी यहाँ शेयर हो गई, दो बच गई, इस कार्बन की एक दो तीन, तीन दो इधर से सैचुरेटेड हो रही है, एक इधर से, तो एक बच गई। इसी टाइप से कार्बन की सिर्फ एक वैलेंस सैचुरेटेड हो, जितनी वैलेंसीज बचती हैं उन्हें हम हाइड्रोजन से सैचुरेटेड करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इस टाइप से हम डायग्राम को बना सकते हैं। क्लियर बच्चों, चाहिए फिर नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो हम कर भी चुके हैं। इसमें हम करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप को, यस कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपको आपको दिए हैं। इनके बेस पे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, दिस 1 2 3 4 5, दिस 1 2 3, तीन है सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज प्रोपेन, कि एक हाइड्रोजन को एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है, उसकी जगह आ जाता है और उसी के बेस पे इस कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। आज हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट है हेलोजन, हेलोजन ग्रुप जो कि प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में क्लोरो और ब्रोमो, मतलब नाम से पहले जुड़ जाएगा क्लोरो या ब्रोमो, यस इसमें Cl या Br जॉइंट होते हैं, क्लियर दैट। इनके नेम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, थ्री कार्बन है इसमें, यस नो, क्लोरीन जुड़ा हुआ है यानी क्लोरो, 1 2 3, प्रोपेन क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमीन जुड़ा हो ब्रोमो, 1 2 3, थ्री कार्बन ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर। सेकेंड ग्रुप है इसमें एल्कोहल, जिसमें सफिक्स नाम के बाद में जुड़ता है ऑल, जैसे कि अगर थ्री कार्बन है तो प्रोपेनॉल, फोर है तो ब्यूटेनॉल, टू है तो इथेनॉल। डायग्राम देखो, इसमें ओ एच ग्रुप जुड़ता है, ओ एच कार्बन से ओ, ओ से एच ग्रुप जुड़ता है, क्लियर। चलिए भाई फिर एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें सफिक्स नाम के आगे जुड़ता है एल, क्या क्या जुड़ता है एल, जैसे कि चार कार्बन है तो ब्यूटेनल, थ्री कार्बन है तो प्रोपेनल, सी एच ओ ग्रुप जुड़ता है इस टाइप से, लास्ट वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन, इसी तरह 1 2 3, थ्री कार्बन है तो प्रोपेनल। कीटोन ग्रुप में, कीटोन ग्रुप में जुड़ता है सी ओ, कार्बन दो, एक कार्बन दोनों साइड से कार्बन से जुड़ेगा और इससे सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ती है डबल बॉन्ड से, दिस इज अ कीटोन, लास्ट में सफिक्स जुड़ता है ऑन, जैसे कि ब्यूटे नॉन, चार कार्बन है तो ब्यूटे नॉन, थ्री कार्बन है तो प्रोपे नॉन, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, लास्ट वाले कार्बन से एक और डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से और उससे H जॉइंट होगा। कार्बन के बेस पे नाम दिए जाते हैं, पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं कि OH है, CHO है,
सी ओ है या सी डबल ओ एच है, उसके बेस पे उसके नेम दिए जाते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आता है तो कार्बन के बेस पे ईन जुड़ जाता है, एल्केन के लास्ट में ईन जुड़ जाता है। जैसे कि थ्री कार्बन से डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और थ्री कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। इज इट क्लियर बच्चों? इस टाइप से हम IUPAC में नेम दिए जाते हैं। चलिए फिर, कंबशन क्या है? कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है देन ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड की जाती है KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, देन K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट किया जाता है। तो अल्कोहल, सारे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं, जैसे इथेनॉल इथेनोइक एसिड में, मेथेनॉल मेथेनोइक एसिड में चेंज हो जाते हैं। दैट्स इज क्लियर। एडिशन रिएक्शन इसे कहते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कंपाउंड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। मीन अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, इस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पर दो डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों साइड एक एक वैलेंसी बचती है, वहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसे दूसरा नाम हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन बाय वन किसी भी हाइड्रोकार्बन से, क्लोरीन क्या है मोस्टली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक एक करके हाइड्रोकार्बन्स में एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती चली जाती है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।